Hello dosto, this is Krishna Vasisht and you are listening to me on my official YouTube channel Tats Guru. In case if you have not subscribed me, subscribe my channel Tats Guru, please do subscribe because yahan pe main child development and pedagogy ki qualitative videos banata rehta hu. To dosto, aaj हम पढ़ेंगे स्किनर की ऑपेरेंट कंडीशनिंग या फिर इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं और बेसिकली इन्होंने रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट के बारे में ही बात की थी कि रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट कितने टाइप्स की होती हैं. आई एम श्योर कि आपको पता होगा रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट के बारे में क्योंकि लास्ट वीडियो में थोर्नडाइक थ्योरी के अंदर ट्रायल एंड एरर थ्योरी में मैंने आपको बताया है कि रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट कितने टाइप्स की होती हैं. ठीक है, तो बात करते हैं रीइंफोर्समेंट के बारे में कि एग्जैक्टली रीइंफोर्समेंट क्या होता है. तो मैं आपको बता दूं कि रीइंफोर्समेंट को हिंदी में कहते हैं पुनर्बलन. कोई भी काम अगर होता है किसी बच्चे के द्वारा और वो काम बहुत ही अच्छा है, आप उसको मोटिवेट करते हो एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन, एज ए टीचर, आप चाहते हो कि वो काम बार बार वो बच्चा रिपीट करे. ठीक है, तो आप उसको बार बार मोटिवेट करोगे. जो एक्शन आप लोगे बार बार मोटिवेट करने के लिए जिसकी वजह से वो बच्चा काम करेगा, इसे कहेंगे रीइंफोर्समेंट. ठीक है, उस एक्शन को रीइंफोर्समेंट कहा जाता है. जबकि दूसरी तरफ पनिशमेंट की अगर बात करें कि बच्चे ने कोई काम किया है और आप बिल्कुल भी उस काम को लाइक नहीं करते हो, बच्चे ने बिल्कुल ख़राब काम किया है, ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं हुआ, तो आप बच्चे को डांटोगे. ठीक है, तो जो आप चाहते हो कि वो काम बच्चा फ्यूचर में रिपीट ना करे, तो आप जो एक्शन लोगे उसे उस एक्शन को हम कहेंगे पनिशमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने ये एरोज बनाई हुई हैं बेसिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वो काम जो हुआ है वो बार बार होना है क्योंकि काम जो है अच्छा है, आप चाहते हो कि बच्चा बार बार उस काम को करे, रिपीट करे, तो जो एक्शन आप लोगे उसे आप रीइंफोर्समेंट कहोगे. और जबकि पनिशमेंट में आप चाहते हो कि एक कोई काम अगर एक बार हुआ है तो वो काम जो है दोबारा ना हो. ठीक है, दोबारा ना हो, जिसकी वजह से आप जो एक्शन लोगे तो उस एक्शन को हम कहेंगे पनिशमेंट. अब स्किनर ने ये कहा है कि ये जो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, यानी कि एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव. सिंपल सी बात है. अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे नहीं हुए हैं रियल लाइफ के, लेकिन मैं आपको एक एक एग्जांपल दे देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में. ठीक है, दिस इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि मान लो एक टेंथ क्लास का बच्चा है और वो जो है फर्स्ट या फिर आप कह सकते हैं कि 80% मार्क्स लेके आया है. ठीक है, 80% मार्क्स लेके आया है अपनी क्लास में और आप एज ए पेरेंट बहुत खुश हो अपने बच्चे से, तो इस खुशी में जो है बच्चों को आप मोटिवेट करोगे, रिवॉर्ड दोगे. तो मान लो आपने जो है उस बच्चे को मोबाइल लाके दे दिया. ठीक है, तो यहाँ पे आपने बच्चे को रिवॉर्ड दे दिया, यानी कि मोबाइल लाके बच्चे को दे दिया, इसे कहेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. ठीक है, ओके. अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा? तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा, मान लो वही बच्चा जब 11th क्लास में जाता है तो उसने जो है वो अपना कुछ टाइम से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि बच्चा जो है होमवर्क अपना टाइमली कंप्लीट नहीं कर पा रहा या नहीं कर रहा. ठीक है, तो फिर आप कहोगे बच्चे को कि बेटा अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, बच्चा जो है होमवर्क नहीं कर रहा है. तो आपने जो मोबाइल लिया था, आपने जो मोबाइल दिया था बच्चे को, तो वो मोबाइल जो है बच्चे से वापस ले लोगे कुछ टाइम के लिए, मान लो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और आप बच्चे को कहोगे कि जब तक आप अपना होमवर्क टाइम से कंप्लीट नहीं करोगे तब तक ये मोबाइल हमारे ही पास रहेगा. ठीक है, बट ये जो अवधि रहेगी ये बहुत ही छोटी अवधि रहेगी, मान लो 5 दिन के लिए ले लिया या 10 दिन के लिए ले लिया, बाद में 10 दिन बाद आप लौटा दोगे. ठीक है, तो जो रिवॉर्ड आपने लेना है बच्चों से, जो मोबाइल दिया था वो लेना है और कुछ टाइम के बाद वो रिवॉर्ड जो है वापस दे देना है. ठीक है, तो इसे कहेंगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. ओके, तो ये है रीइंफोर्समेंट के दो टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब बात करते हैं पनिशमेंट के एग्जांपल्स की. तो पनिशमेंट में सबसे पनिशमेंट भी दो टाइप की होती हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव. तो जो पॉजिटिव पनिशमेंट है उसको हम प्रेजेंटेशन भी कहते हैं और इसके अंदर आप बच्चे को फिजिकली आप पनिश कर सकते हो या करते हैं. फॉर एग्जांपल एज ए टीचर हो आप, और एक दिन एक बच्चे ने एक दूसरे बच्चे की कॉपी फाड़ दी.
ठीक है, अब ये कॉपी फाड़ना तो गलत है, आप चाहोगे कि ये काम जो है दोबारा से रिपीट ना हो, फ्यूचर में वो बच्चा रिपीट ना करे, तो आप उस बच्चे को जिसने कॉपी फाड़ी थी उसको या तो दो चांटे लगा दोगे, ठीक है, या फिर क्लास के पीछे खड़ा करके उसके हैंड रेज करा दोगे। तो कुछ भी फिजिकली पनिशमेंट आप दे रहे हो बच्चे को, तो इसे कहेंगे पॉजिटिव पनिशमेंट, ठीक है। और नेगेटिव पनिशमेंट की अगर हम बात करें, तो इसको हम रिमूवल पनिशमेंट भी कहते हैं। अब सपोज करो कि बच्चा जो है फेल हो गया, ठीक है, वही बच्चा जो टेंथ क्लास में फर्स्ट आया था वो बच्चा जो है फेल हो गया इलेवेंथ क्लास में, तो आपने जो मोबाइल दिया था बच्चे को, आप परमानेंटली वो मोबाइल जो है आप बच्चे से ले लोगे, ठीक है, उस बच्चे से आपने वो मोबाइल जो है ले लिया, मतलब रिमूव कर लिया, जो रिवॉर्ड आपने दिया था रीइंफोर्समेंट में, अब वही रिवॉर्ड आपने बच्चे से वापस ले लिया, तो इसे कहेंगे नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है, परमानेंटली ले लिया, ठीक है। रीइंफोर्समेंट का जो नेगेटिव टाइप था उसमें आपने रिवॉर्ड लिया था लेकिन कुछ टाइम के लिए लिया था, थोड़े से टाइम के बाद आपने वो मोबाइल वापस दे दिया था, लेकिन यहाँ पे आप परमानेंटली उस मोबाइल को वापस ले लोगे, उस रिवॉर्ड को वापस ले लोगे, ठीक है। तो ये हैं बच्चों रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के दो टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई टैट्स गुरु चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और जैसे भी आपको टॉपिक लगते हैं, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर दिया करो, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद दोस्तों।